जगदलपुर सिटी कोतवाली जगदलपुर में विगत 20 वर्षों से लगातार अलग अलग मामलों के फरार स्थायी वारंटी को पता तलाश कर गिरफ्तार करने में बस्तर पुलिस को सफलता हासिल हुई है। ज्ञात हो कि थाना कोतवाली में द्वितीय अपर सत्र न्यायालय जगदलपुर के प्रकरण क्रमांक 63/98 धारा 458 307 34 भादवी और माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर के प्रकरण में धारा 357 380 भादवी और प्रकरण क्रमांक 363/10 धारा 57 विस्फोटक अधिनियम में माननीय न्यायालय से जारी आरोपी स्थायी वारंटी नीलम पिता डोमू उम्र 50 साल निवासी इतवारी बाजार जगदलपुर जो घटना कारित कर लगातार फरार था, जिस दौरान मुखबिर की सूचना मिली कि आरोपी ओडिशा कोकड़ागुड़ा थाना बोरी गुमा क्षेत्र में निवास कर रहा है कि सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिदार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी एवं साहू के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसकी गिरफ्तारी हेतु तुरंत टीम ओडिशा रवाना की गई, जहां पर पहुंचकर टीम द्वारा आरोपी की पतासाजी कर घेराबंदी कर पकड़ा गया है, जिसे पूछताछ व तस्दीक करने पर अपना नाम नीलम पिता डोमू निवासी इतवारी बाजार जगदलपुर का होना बताया, जिसे माननीय न्यायालय में विधिवत 3 स्थायी वारंटी मैं आरोपी के पेश किया गया है। थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां स्थायी वारंटियों पर विशेष अभियान चलाया गया है और इस अभियान के अंतर्गत जो है थाना कोतवाली के जो है 3 मामलों के स्थायी वारंटी नीलम पिता डोमू जो निवासी इतवारी बाजार क्षेत्र के हैं वो पिछले 20 वर्षों से फरार चल रहे थे और इस संबंध में आज सूचना प्राप्त हुई कि संजय बाजार क्षेत्र में इन्हें देखा गया है और इस आधार पर जो है थाना प्रभारी कोतवाली एवं साहू के नेतृत्व में टीम गठित कर जो है कार्यवाही हेतु रवाना किया गया था और इस मामले में जो है नीलम को जो है आज घेराबंदी कर पकड़ा गया और जो है इसे माननीय न्यायालय में जो है प्रस्तुत किया जा रहा है और वर्तमान में जो है आने वाले समय में जो है स्थायी वारंटियों पर विशेष अभियान चलाकर जो है तामीली कार्यवाही की जाएगी। BNA24 न्यूज़ के लिए जगदलपुर से विजय पचौरी की रिपोर्ट।